और क्या हाल चाल है मेरे लोग, सब कुछ बढ़िया ना। अभी आप शायद ऐसा सोच सकते हैं कि वहां से मैं आज दौड़ के क्यों नहीं आया, तो इसका रीजन है कुछ नहीं, बस ऐसे ही नहीं आया। ओके, अभी थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पे रियलमी का जो प्यारा दुलारा नार्जो सीरीज है ना, उसका 30 वाला वर्जन आ चुका है, यानी कि रियलमी का नार्जो 30 सीरीज इंडिया में हो चुका है लॉन्च्ड। और अगर आपने अभी तक उसका स्पेसिफिकेशन वाला वीडियो दूसरे किसी यूट्यूबर से नहीं देखा है तो स्वागत है आपका। यहां पर आपको वो तो पता चलेगा ही, उसी के साथ आपको Realme X7 5G वर्सेस Realme Narzo 30 Pro का कंपैरिजन वीडियो भी आपको यही पे मिल जाएगा। तो कृपया कस के बैठिए अपना चेयर, टेबल, कुर्सा, कोई भी चीज पे आप बैठे हो या फिर लेटे हो, और बस चलिए मेरे साथ एक तकनीकी सफर में। लगा बे, तेरे को बताया था उधर जब देखूंगा तो इंट्रो लगा देना। ओके, तो दोस्तों यहां पे मैं आपके लिए टाइम स्टेप्स दे दूंगा। अगर आपको 30A का स्पेसिफिकेशंस नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन वीडियो में भी जंप कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम 30A के स्पेसिफिकेशंस बता देंगे, वो भी क्विकली, देर नहीं करेंगे। Realme का Narzo 30A के स्पेसिफिकेशन को हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन से। तो डिजाइन कुछ अलग किया है इस बार Realme ने। जी हाँ, यहां पे ये जो फोन है, पर्सनली इसका डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा। इसका कैमरा मॉड्यूल कुछ पहचाना सा लग जरूर रहा है, लेकिन जो भी ओवरऑल जो डिजाइन है वो मुझे काफी पसंद आया। वैसे यहां पे आपको पॉली कार्बोनेट मिलता है। पता है तो मारते क्यों हो यार तुम, नहीं मतलब ठीक है चलो। इसी के साथ फोन के डिस्प्ले की बात करें तो यहां पे आपको 6.5 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच के साथ एक HD+ IPS डिस्प्ले आपको यहां पे प्रोवाइड करवाया है Realme ने। ओके, नेक्स्ट इसके रैम वेरिएंट्स की बात करें तो यहां पे आपको 3/32 और 4/64 जैसे रैम वेरिएंट्स देखने के लिए मिलता है। eMMC का स्टोरेज टाइप है और डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी आपको इस फोन में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इसके प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पे आपको पता ही होगा शायद, मीडियाटेक का हेलियो G85 दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू, मतलब ऐसा नहीं बोलते ना, मतलब 10,000 से नीचे वाले प्राइस के फोन में ये वाला प्रोसेसर काफी अच्छा है। आप यूज करेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा। आंखों की गुस्ताखियां यानी कि कैमरा की बात करें तो यहां पे आपको 13+2 मेगापिक्सल का एक कैमरा सेटअप मिलता है, डुअल कैमरा सेटअप। लेकिन यहां पे देखने से लगता है ये 3 कैमरा है, लेकिन ये भ्रम है आपको। oh, no. जो भी है, सामने की साइड में आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी मिल रहा है। सारे के सारे सेंसर्स मौजूद है इंक्लूडिंग Realme UI। बैटरी यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी एक देखने के लिए मिलता है, जो कि 6000 mAh का 18W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है, और टाइप सी का पोर्ट भी है इसके अंदर। तो दोस्तों यही है Realme Narzo 30A का पूरी स्पेसिफिकेशन। तो ये फोन 10,000 के नीचे वाले प्राइस पॉइंट के साथ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखी। वैसे ये आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। चलते हैं हम कंपैरिजन वीडियो की तरफ। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया यही सेम प्राइस पॉइंट के साथ ये जो दो फोन है, Realme का Narzo 30 Pro और जो Realme का X7 5G, कड़ी टक्कर हो रही है। और लोग ऐसे पागल हुए पड़े हैं कि भैया कौन से फोन को हमको पिक करना चाहिए इस प्राइस पॉइंट के दौरान। ओके, तो दोस्तों यहां पे हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे डिजाइन के साथ। दोनों के दोनों जो फोन है उसका डिजाइन कुछ ऐसा है। जी दोस्तों, डिजाइन यहां पे काफी ज्यादा सिमिलर है, बस थोड़ा सा जो चेंज मुझे दिखा शायद आपको भी दिख रहा है वो है कैमरा मॉड्यूल में। बाकी तो यहां पे कोई चेंज मुझे नहीं दिखा, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर है। लेकिन हाँ, Realme X7 में एक एक्स्ट्रा स्पेशल कलर आता है, वो अगर आप लेते हैं तो डिजाइन कुछ अलग ही लगेगा। दूसरी चीज डिस्प्ले। दोस्तों यहां पे आपको दोनों के दोनों फोन में ऑलमोस्ट सेम साइज का डिस्प्ले मिलता है। X7 में बस थोड़ा सा छोटा है कंपेयर्ड टू Realme Narzo 30 Pro। बाकी स्पेसिफिकेशन में भी ये फोन मतलब ऐसे बैलेंस किया हुआ है। कैसे, देखिए अगर आप Realme का Narzo 30 Pro लेते हैं तो वहां पे आपको 6.5 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है विद फुल HD+ रेजोल्यूशन एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट। उसके साथ 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगा, तो एकदम ऐसे करना है ना तो काफी स्मूथ कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको चाहिए एक शानदार सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तब आपको जाना पड़ेगा Realme के X7 की तरफ। जी हाँ दोस्तों, वहां पे आपको मिल रहा है 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, लेकिन 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ।
तो यहां पे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है, आप अपने जरूरत के हिसाब से फोन को चूज कीजिए। ओके, इसके बाद हम बीच में ही डायरेक्टली एकदम बात कर डालेंगे रैम वेरिएंट्स एंड प्राइसिंग के बारे में। दोस्तों यहां पे अगर आप चूज करते हैं रियलमी नार्जो 30 प्रो, वहां पे आपको दो रैम वेरिएंट्स मिलते हैं, क्या क्या, 664 8 128, ठीक है। बेस वेरिएंट यानी कि 664 GB वाले रैम वेरिएंट को अगर आप लेते हैं तो इसका प्राइस पड़ेगा 17,000 रुपए, और अगर आप चूज करते हैं 8 128 GB वाले वेरिएंट को तब आपको ये स्मार्टफोन 20,000 का पड़ेगा। इसके साथ Realme Narzo 30 Pro में आपको UFS 2.1 और LPDDR4X का RAM टाइप भी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं Realme के X7 के बारे में तो वहां पे आपको 6 128 GB और 8 128 GB दो RAM वेरिएंट्स मिलते हैं। अभी इसके बेस वेरिएंट को अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वो मिलेगा आपको 20,000 से ₹1 कम में, और अगर आप 8 128 वेरिएंट को लेते हैं तो वो आपको मिलेगा 22,000 से ₹1 कम में। अभी आप देख लीजिए कौन सा लेना है, लेकिन मेरी मानोगे तो रैम वेरिएंट्स के हिसाब से आपको 8 128 GB वाला Realme Narzo 30 Pro की तरफ जाना चाहिए, मतलब 8 GB रैम मिल जाएगा उधर बाई मतलब 20,000 के अंदर। इसके बाद अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो यहां पे आपको दोनों के दोनों फोन में ही मीडिया टेक का हेलियो हेलियो मतलब मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर मिलेगा, बिल्कुल 5G प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है, तो बैटरी एफिशिएंसी भी काफी अच्छी होगी, और यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ थोड़ा मतलब थोड़ा मोड़ा ऑप्टिमाइजेशन की वजह से इधर उधर हो जाता है, बाकी एक्सपीरियंस गेमिंग एक्सपीरियंस आपके हैंड टू हैंड यूजेज में कुछ पता नहीं चलेगा आपको। सेंसर्स क्या बताऊं मैं, सब कुछ अवेलेबल है, बस हाँ यहाँ पे एक चीज आपको एक्स्ट्रा मिलता है Realme Narzo 30 Pro में, मैं बात कर रहा हूं 3.5mm हेडफोन जैक के बारे में। जी हाँ, वो आपको 30 Pro में मिलता है लेकिन X7 में नहीं दिया गया है छेद, तो छेद का आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा अलग से। बाकी आप सिम ट्रे टूल की भी बात कर लेते हैं, वो मैं वहां पे बताना भूल गया, तो यहाँ पे जो X7 है वहां पे आप चिप नहीं लगा सकते हैं, समझे, मतलब वहां पे आपको सिर्फ दो सिम का ऑप्शन मिलता है, ऑब्वियसली दोनों के दोनों 5G सिम लगा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे 30 प्रो के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि एक सिम एक चिप आप लगा सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आखिरी वाले ऑप्शन यानी कि बैटरी के तरफ। दोस्तों यहां पे अगर आप जाते हैं 30 प्रो की तरफ तो वहां पे आपको मिलता है 5000mAh का बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जर और टाइप सी का पोर्ट। लेकिन अगर आप चूज करते हैं रियलमी के X7 को तो वहां पे आपको मिल रहा है 4310 यानी कि 5000 से बस थोड़ी सी कम एमएच वाला एक बैटरी, 50 वॉट का फास्ट चार्जर और टाइप सी का पोर्ट। तो यहाँ पे अगर आप अपने फोन में गेमिंग ज्यादा करते हैं, आपके बैटरी की एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, तो आप जरूर Realme Narzo 30 Pro की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बैटरी थोड़ा कम चलेगा लेकिन चार्जर फास्टेस्ट चाहिए तो आप जा सकते हैं X7 की तरफ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुंह क्या देख रहे हो यार, खत्म हो गया वीडियो, यही तक था आज का पूरा वीडियो, कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आज के लिए धन्यवाद। They can stop me, I'm all the way up.